है गाइस, तो मैं चलें आज हम सीखते उसको हैं उर्दू में व्हाट्सएप स्टेटस बनाने का मैं तरीका। तो हम कैपकट से अपने स्टेटस को बनाएंगे बहुत और आपने देखे भी होंगे स्टेटस वगैरह कैसे बनते हैं। तो चलें आज हम सीखते हैं स्टेटस गुजर बनाने का तरीका। तो हम जाते हैं अपना कैपकट ऐप ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट फोटोज़ में फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं और ये मैं कोई अपनी फ़ोटोज़ ले लेता हूँ, जैसे कि आप भी अपनी फ़ोटोज़ ले लीजिएगा। तो ये मैंने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। अब हम फोटोज़ को यानी जितने हमको टाइमिंग पे लगानी है तो हम उतने टाइमिंग पर उसको सेट कर लेंगे और ये जो एंड में कैपकट का लोगो आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमने इसको टाइमिंग पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हम ओवरले में जाएंगे, ऐड ओवरले में, और यहाँ से अपना साउंड ले लेंगे। जो साउंड हमको ऐड करना है वो साउंड हम ले लेंगे। ये हमने साउंड ले लिया है। अब हम इसको इस प्लेस में जाएंगे और इसको फ़िल्टर पे जाकर फ़िल्टर करते हैं। और अब इसको इसकी जहाँ पर आपको सेट करना है हम इसको वहाँ पर सेट कर लेते हैं अपना। तो ये इस तरह से ये सेट हो चुका है। तो अब आपको वापसी अपने वॉल्यूम में जाकर इसको उसका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद कर देना है। अब एड ओवरले में जाना है हमको और ये अपना वापसी जो हमने साउंड बना रहे हैं यानी हमने जो साउंड लगाना है वो साउंड हम ये इफेक्ट ले लेते हैं यहाँ से, ये इसको सेट कर लेते हैं इफेक्ट को। ये हमने इसको पूरी स्क्रीन पर सेट कर लिया है। वापसी जाके फिल्टर में इसको लेना है ताकि हमारी स्क्रीन पर बिल्कुल सेट हो जाए। अब इसको इसी की टाइमिंग के हिसाब से सेट कर लेना है, जितनी बड़ी हमको वीडियो बनानी है उसके हिसाब से इसको स्प्लिट करके बाकी जो है वो काट देना है। डिलीट के ऑप्शन पे जाके उसको डिलीट कर दीजिए ना। अब ये भी हम अपने इसके टाइमिंग के हिसाब से सेट कर लेते हैं। जितना बड़ा हमारा म्यूज़िक होगा, लायरिक्स होंगी, हम उस हिसाब से इसको सेट करते हैं। चलें अब हम इसके अपनी तस्वीर के जो है वो कलर वगैरह सेट कर लेते हैं, यानी जिस कलर में हमारी जो तस्वीर है वो बिल्कुल सेट हो जाए हम उसको इसी तरह से सेट कर लेते हैं। या कंट्रास्ट में जाते हैं, अब कंट्रास्ट इसका इसका लो करते हैं। तस्वीर हमको ऐसी बनानी है थोड़ा एस्थेटिक टाइप की तस्वीर नज़र आए। तो ये अब हम थोड़ा एक्सप्लोर इसका ठीक कर देते हैं, शार्पन। अभी ग्राफिक्स के हिसाब से आपको इसको बिल्कुल ध्यान से सेट करना है कि इसकी ज़्यादा ब्राइटनेस जो है वो ओवरलो भी ना हो, कलर ज़्यादा इसके डैमेज भी ना हो। तो ये देख लें आप जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसको ये सेट कर लेना है। उसके बाद ये हाईलाइट इसकी थोड़ी अगर आपके पिक्चर के हिसाब से लो है तो उसको फिर आप थोड़ी हार्ड कर दीजिएगा। यह टेम्प में आ गए, देन ह्यू इसका फेड थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि जो हमारे बादल वगैरह हैं वो क्लियर नज़र आए। अब इसको एडिट में जाके, तो ये हमारी वीडियो हो गई है तैयार। अब इसको ऑन कर लेते हैं। ये वीडियो बन गई, लेकिन ये अगर हम इसमें एक और इफ़ेक्ट ऐड कर लें तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा शानदार हमें नज़र आएगी। तो हम ये इफ़ेक्ट में जाकर इसको पार्टी में जाते हैं, देन ये जो ब्राइटनेस वाला इफेक्ट है लाइटिंग वाला ये हम ले लेते हैं। इसका जो है स्पीड है बिल्कुल इसको स्लो कर देते हैं ताकि ये वीडियो के हिसाब से अच्छी लगे। देन इसको इस वीडियो के हिसाब से सेट कर लेते हैं जितनी इसकी टाइमिंग है। तो ये हमारी सेट हो चुकी है। अब हम वीडियोस को देखते हैं। तो ये हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। अभी हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं 1080 पिक्सल में ताकि वीडियो क्वालिटी जो है वो हमारी सेट रहे। तो चलें अब हम अपनी ये वीडियो कैसे हमने डाउनलोड की तो हम अब ये सीख लेते हैं। तो हमको यूट्यूब में जाना है, यहाँ पर सर्च पे सर्च हमको करना है ब्लैक स्क्रीन स्टेटस डाउनलोड। तो हमने इसको ये सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे आके आपको जो भी सॉन्ग वगैरह आपको जो इस पर वीडियो बनानी है आप यहाँ पे उसको सॉन्ग चेक कर लीजिएगा।